टैक्स स्लैब के साथ साथ ATC के तहत जो निवेश पर बढ़ सकता है छूट का दायरा, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है बजट से पहले। ATC में 1.5 लाख तक से बढ़ाकर 2.5 लाख तक छूट संभव है और 2014-15 के बाद से ATC की छूट सीमा में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और अगर ऐसा होता है, ये बदलाव हो जाता है, तो आप ये समझिए कि आम आदमी जो है, जो मिडिल क्लास है, उसके लिए बहुत राहत होगी क्योंकि वो अपने पैसे को बचा सकेगा ATC के दायरे में। निधि से मैं सवाल लेना चाहती हूँ। निधि, जरा बताइए कि अगर ये बदलाव होता है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ATC एक ऐसा मिडिल क्लास के लिए सेविंग पॉइंट हो जाता है कि वो अपनी कुछ जो कमाई है वो बचा ले जाता है, कितना फायदा होगा मिडिल क्लास को अगर ये स्लैब हो जाता है ऐसा बदलाव? अगर जो उम्मीद लगाई जा रही है कि 1.5 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख की जा सकती है लिमिट, तो ये बहुत बड़ी राहत होगी मिडिल क्लास के लिए। और ये जो इनकम पर टैक्स लगता है उसको बचाने के लिए बचत निवेश का कहलाता है ये। इसमें इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। आप साल में अगर ATC के अंतर्गत बचत निवेश करते हैं तो 1.5 लाख तक ही लिमिट है। अब इसे बढ़ाने की बात हो रही है, ये 2.5 लाख तक हो सकती है। अगर ये 2.5 लाख तक हो जाती है, इसमें कई तरह के प्रावधान है जिसमें PPF आता है, कई तरह की लिंक्ड स्कीम्स होती हैं जिसके तहत निवेश किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है प्रीति, तो ये बहुत बड़ी राहत होगी मिडिल क्लास के लिए, क्योंकि 2014-15 के बाद लगभग 8 साल हो गए हैं, 8-8.5 साल के बाद भी इसकी लिमिट नहीं बढ़ाई गई है। और ये बचत निवेश का एक बहुत बड़ा तरीका होता है जिसमें आप अपने जो सेविंग्स हैं टैक्स बचाने के लिए, वो ज़्यादा कर सकते हैं, उसके लिए ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे प्रीति, ये बहुत बड़ी बात होगी मिडिल क्लास के लिए। देखना होगा बजट में क्या होता है।